वेलकम बैक टू द गाइस। तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हंटर द यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में गाइस धमाल बवाल धूमधाम कुछ नहीं होने वाला, आज तो कुछ अनोखा ही हुआ हमारे साथ। आप कह सकते हैं कि भूतिया लोबी मिल चुकी है हमें। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखें और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। ओके, सबसे बड़ी बात गाइस कॉन्क्यूरर लॉबी में 99 प्लेयर ऑफलाइन प्लस सिर्फ मुझे बोट ही मिले और मैं क्राउन वन पे पहुंच गई और मुझे धूमधाम वाले किल भी मिले। पहले तो मैं डर रही थी कभी मैं खुशी खुशी में जाऊं और मारी ना जाऊं, फिर बाद में सब प्लेयर ऑफलाइन, आखिर मैं ही क्यों हूँ जिंदा। सिर्फ मैं ही जिंदा थी यार, सिर्फ मैं अकेली मैं जिंदा थी, बाकी सब लिटरली बोट थे। अब देख रहे हो ना सामने, मतलब कि 99 बंदे पानी में डूब के, देख लो गाइस देख लो, मतलब कितने पैराशूट। ए भगवान, ये हो क्या रहा है हमारे साथ भाई, देख रहे हो गाइस ये चल क्या रहा है। मतलब कि सब बंदे ऑफलाइन ही क्यों, मैं ही क्यों जिंदा रही गेम में, why only me alive guys, why? देख रहे हो गाइस सब ऑफलाइन है, मतलब लिटरली सब ऑफलाइन है। यहाँ तक कि जो मेरा दोस्त टीममेट था बैड बॉय, उसका भी कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, लेकिन बचती मैं ही क्यों हूँ आखिर क्यों। मतलब कि देख रहे हो ना गाइस, अब देख लो यार, मतलब कि 99 पैराशूट मेरे साथ है और इनका होता कुछ नहीं है, ये देख लो। मतलब कि क्या ही बताऊँ गाइस मैं, क्या ही, मतलब कि मेरे साथ ये हुआ क्या मुझे ये नहीं पता, पबजी वालों ने आखिर मेरे साथ किया क्या ये। मतलब कि मैं जिंदा बाकी सब ऑफलाइन, लिटरली ऑफलाइन, देख रहे हो मस्त में पानी, मतलब बंदे गायब हो गए। लेकिन गाइस वो गायब थोड़ी हुए थे, वो तो नीचे, ओ भाई ये देखो ये देखो, इन्होंने तो घर बसा रखा है अपना। हमारे यहाँ तक कि हमारे बैड बॉय भी इधर ही पड़े हुए हैं। मैंने और पे माइक करने की कोशिश की लेकिन किसी का माइक ऑफ नहीं, मैंने सोचा मरने दो इनको, किल जाए भाड़ में, मेरे तो पॉइंट माइनस हो जाएंगे, मैं तो कौन क्यों पुश करने वाली हूँ। गाइस इतने हैकरों ने माँ बैन कर रखी है ना पबजी की, मैं क्या बताऊँ। मतलब कि रैंक पुश कर रही हूँ मैं डुबो में, एक भी पॉइंट प्लस नहीं होता मेरा कभी, क्यों नहीं होता मुझे भी नहीं पता। अगर मैं कैंप कर रही होती हूँ तो बंदे मुझे ढूंढ के मारते हैं, अगर मैं खुशी खुशी किल करूँ, अगर मेरे 10-8 किल भी होते फिर भी मेरे लास्ट में जाके मैं मर जाती हूँ तो 2 माइनस होते हैं। तो मैं ये, मेरे को ये समझ नहीं आता कि मैं रैंक पुश करूँ तो करूँ कैसे, कैंप बस का नहीं है, बंदे ढूंढ के मारते हैं। तो गाइस इसमें देखो अब ग्लिच क्या हुआ, कोई डोर ही नहीं ओपन हो रहा था, कोई भी लिटरली कोई भी डोर नहीं ओपन हो रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ने लिटरली बहुत ज़्यादा कोशिश की, यहाँ तक कि मेरा दोस्त भी पानी में डूब के मर गया। देख रहे हो ना गाइस लिस्ट, देख रहे हो ना लिस्ट जा रही है, ये देख रहे हो सब डूब डूब के मर रहे हैं। मुझे टेंशन कि मैं ही क्यों जिंदा हूँ, सब डूब डूब के मर रहे हैं, मैं क्यों नहीं मरी, मेरा सर्वर लॉस्ट क्यों नहीं आया, मेरा कनेक्शन ख़त्म क्यों नहीं हुआ, आखिर मैं पानी में डूब के क्यों नहीं मरी। मतलब कि मैंने सोचा गाइस दरवाज़ा तो खुल नहीं रहा है, कोई बात नहीं हम लूट लेते, एक गन उठा के इनको मारूंगी, और सोच रही थी कि ये बस पानी में डूब के ना मरे। बट गाइस मुझे क्या पता था कि ये तो मर के ही मानेंगे। देख रहे हो ना गाइस प्रो प्रो प्लेयर्स जितने भी, मतलब टोटली गेम में जितने भी प्लेयर्स हैं ना, सब पानी में डूब के मर गए, क्यों मरे मुझे नहीं मालूम, अब चवालों से पूछना पड़ेगा, चलो वो बाद में पूछेंगे। तो गाइस देख लो यार, देख लो सब मर रहे हैं डूब डूब के, क्यों, रीज़न क्या है किसी को नहीं मालूम, लेकिन इतने मर क्यों। देखो बेबी राजपूत भी मर गया, मतलब कि बैड बॉय ये भी मर गया, आखिर क्यों मरा ये। देख लो गाइस सब बंदे, मतलब लिटरली पूरा सर्वर पानी में डूब के मर गया, और मैं गन की तलाश में घूम रही थी ताकि मुझे डर था कि कहीं मुझे आके बोट ना मार दे। बेइज्जती भाई, ना तो जंप का निशान लग रहा था, ना ही मैं किसी घर में जा पा रही थी, एंड लिटरली गाइस मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, कुछ भी। मैंने बहुत कोशिश की घर के अंदर जाने की, फिर मैंने देखा सर्कल बहुत दूर है, मैंने कहा अब निकलो सर्कल की तरफ। तो गाइस हुआ ऐसा कि मैंने यहाँ से, मैंने सोचा कुछ हो तो रहा नहीं, मरना मेरे को है ही, वीडियो कर देती हूँ बंद, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं रीस्टार्ट कर लेती हूँ, बट फिर मेरे दिमाग में अगर मैंने रीस्टार्ट की तो सब चौपट हो जाएगा। तो गाइस मैंने यहाँ से कर दी थी वीडियो बंद, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया। तो फिर मैं दोबारा से मैं भाग रही थी, मैं सर्कल की तरफ भाग रही थी गाइस, क्योंकि कोई भी डोर ओपन नहीं हो रहा था, किसी भी घर में लूटा नहीं जा रहा था। मैंने वेयर हाउस को लूटने की ट्राई की बट उधर कुछ भी नहीं था गाइस, कुछ भी नहीं। मैंने सोचा मैं अगर कुछ नहीं कर सकती कम से कम मैं सर्कल तो जा ही सकती हूँ, बट टेंशन थी एक और कि गाइस मुझे सर्कल में जाती कभी बोट ना मार दें। तो गाइस कोई बात नहीं, मैं भाग रही थी, मतलब अचानक ही मैं भाग रही थी। तो गाइस मैं भाग रही थी, बस भाग ही रही थी, अचानक ही पता नहीं मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या, हालांकि ये तो बात मुझे भी नहीं समझ आई, अब खुद ही देख लो मेरे साथ हुआ क्या।
अभी मैं भाग रही थी, कोई बंदा नहीं था, हालांकि मुझे डर था कि एनिमीज ना हो यहाँ पे, बट नहीं कोई एनिमी, सब बोट थे, मैं अकेली थी। फिर अचानक से पानी में पहुँच गई। क्यों पानी में पहुँच गई मुझे नहीं मालूम, मैं पानी में कैसे पहुँची वो भी मुझे नहीं मालूम। फिर भी मैंने कोई बात नहीं, मैं भागी, मैं घर की तरफ गई। अच्छा फिर अचानक मुझे लूट मिल गई। अब हाथ में थी पिस्टल मेरे, मैंने सोचा अब आओ कोई सा, डर था कि माइनस पॉइंट हो जाएंगे मैंने अगर ज़्यादा ही पोपटपंती की। दैट्स व्हाई गाइस मैंने कुछ नहीं किया, मैं देखने लगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो गाइस सामने आ रही थी बोट की आवाज़, हम बोट की तरफ भागे भागे, बहुत स्पीड पे भागे, इतनी स्पीड पे भागे कि आप नहीं भाग सकते, सिर्फ मैं ही भाग सकती हूँ। तो गाइस हम भागे, हम बोट तो मिला नहीं पर उसकी बॉडी ज़रूर मिल गई। फिर भी हमने उठा लिया माल, पर चलो कुछ नहीं थी तो कुछ तो मिला। तो गाइस हम एक में से मिनी मिली और एक में से गन मिली। गाइस हमने उठाई और हम भागे सर्कल की तरफ, क्योंकि हमें पता था अगर जोन के बाहर मरे पॉइंट माइनस होंगे। और आपको पता है गाइस जब हम पुश कर रहे होते हैं एक पॉइंट हमारा माइनस होता है तो कितना दर्द होता है। इस दर्द को आप नहीं सिर्फ हम रैंक पुशर भी समझ सकते हैं। मेरे सामने एक बंदा आया, बंदा नहीं एक्चुअली वो बोर्ड था, मैंने उसे टपका दिया तो कोई बात नहीं, वो टपक गया और हम सर्कल की तरफ भागे, क्योंकि मुझे डर था कि मैं सर्कल के बाहर ना मर जाऊँ। अगर मैं सर्कल के बाहर मर जाती तो मेरे पॉइंट माइनस होते, ऊपर से यार बोट लोबी में मैं सर्कल के बाहर मर रही हूँ, इतना अच्छा मौका है किल्स का, लेकिन क्या करूँ गाइस। फिर मैंने एक दो घर लूटा और घर में से मुझे मिली लूट, और लूट मिल के हालांकि गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा वाओ ज़िंदगी बन गई। मेरे को डर था कि ये जो 41 अलाइव हैं ये बंदे हैं, और बट गाइस ऐसा था नहीं कुछ कि ये बंदे हैं, ये सारे तो क्या थे वो आप खुद ही देख लो। तो गाइस लिटरली मैंने कुछ नहीं किया, मैं भाग रही थी। मेरे को डर था कि सर्कल था बहुत दूर, मतलब कि मेरे से 1500 मीटर दूर पे सर्कल था, मैं भाग के जाती तो शायद मैं मर जाती। बट गाइस हमारा लक ने गलती से साथ दे दिया। पहले मैं यही वेयर हाउस लूटने आई थी गाइस, इनमें कुछ नहीं था लिटरली, कुछ भी खाली थे एकदम, ये ऐसा होता है ना खाली सा, मतलब कि जैसे लॉबी में हूँ हम, जब हमारी गेम स्टार्ट होने से पहले 50 सेकंड चलती है ना, कुछ नहीं मिलता हमें वहाँ पे, उस टाइप का सीन हो गया था मेरे साथ। चलो कोई बात नहीं गाइस, सीन तो होता रहता है। फिर हम भागे, इस तरह भागे 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 भाग ही रहे थे, मतलब कि टेंशन थी कि हील करूँ, बैंडेज लगाऊँ, क्या करूँ, कभी जोन ना मार दे। और गाइस मैं कर भी तो रैंक पूछ रही थी, अगर मैंने माइनस हो जाए तो पता कितना दिल दुखी होता। फिर भी मैंने सोचा छोड़ो भागो। मेरे पीछे एक बंदा था, मैंने मिनी से टपका दिया उसको, मैंने सोचा बंदा नहीं, फिर लगा बोट है, चलो कोई नहीं बोट था गाइस मर गया। मैंने सोचा लूटना बाद में भागो, यहाँ भी कार नहीं है, दिल टूट गया गाइस। अब सोचा कहाँ होगी कार, मैंने लगाई बैंडेज, स्पीड में गए गाइस बैंडेज लगाई, क्योंकि उसके सिवाय अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैं सोचा बैंडेज छोड़ो बाद में लगाती हूँ, भागो नेट पकड़ के भागो, क्योंकि उस पर स्पीड में भागा जाता है गाइस। और गाइस रैंक पुश आप कर रहे हो ना तो आप समझ ही रहे होगे कितने हैकर्स मिलते हैं गाइस लिटरली ना, आधे से ज़्यादा बंदे तो मुझे ढूंढ के मारते हैं, मतलब कई बार हो मेरे 5 या 6 किलो जाते हैं, ठीक है गाइस 5-6 किलो हो गए। अब मैं सोचती हूँ कि मैं टॉप 10 में जाके फाइट लूँगी, सही बात है 5-6 किले टॉप 10 में जाके फाइट लो, टॉप 10 में हो एंड इजी, मतलब माइनस नहीं होंगे प्लस ही होंगे। जैसे मैंने गलत क्या सोचा, मैं थोड़ा कैंप करने लग जाती हूँ, लेकिन भाई मैंने क्या ही बताऊँ, हैकर्स मेरे सामने आके मुझे ढूंढ के मार देते हैं, मतलब कार वो जिस घर में लुकी होती हूँ ना वहीं आके ढूंढ के मारते हैं, क्यों मुझे नहीं मालूम, कैसे मुझे ये भी नहीं मालूम। आई थिंक गाइस वो हैक यूज़ कर रहे होते हैं, उनका पार्टनर हैक यूज़ कर रहा होता है, क्योंकि वो रैंक पुश कर रहे होते हैं, एक बंदे का रैंक पुश करवाते हैं लोग, ठीक है। तो गाइस मेरे को मिल गई कार इस जोन में और मैं चली गई इस सर्कल की तरफ, हालांकि 30 बंदे बचे थे। अब मैंने सोचा मैं क्या करूँ, सामने ड्रॉप, हालांकि ड्रॉप मुझे दिखा था नहीं दिखा था मुझे नहीं पता, पर पीछे से फायरिंग के निशान आए, मैंने कहा वाओ फायरिंग, मैंने कवर में कार लगाई, मैंने सोचा बंदा ना हो, क्योंकि अगर बंदा, फिर मैंने देखा बोट है, ओहो ये तो बोट है, ओ भाई एकदम ही बोट के नाम से मुझे अच्छा लगा, मैंने इसे मार दिया क्योंकि ये बोट था, कर तो कुछ मैंने नहीं लगता, बस कर सकता था ये कुछ अगर मैं ना गोली चलाती, करके मार ही देता मुझे। फिर मैंने एमो उठाया यहाँ से और मैंने सोचा अब सर्कल की तरफ निकलते हैं, कभी बंदे ना जाए। मैं रुक ही नहीं रही थी गाइस, लिटरली गोलियों की आवाज़ आ रही थी मुझे, लेकिन मैं जा ही नहीं रही थी। मेरे मन में एक डर था, डर क्या था कि कहीं वो एनिमीज ना हो और मुझे मार ना दे, पर गाइस ऐसा कुछ नहीं था, ये लॉबी बोट थी।
कॉन्क्यूरर लॉबी थी और सॉरी टोटली बोट थे इसमें, टोटली बोट, एक बंदा नहीं मिला मेरे को। कितनी खुशी मिली, स्टार्टिंग में हमने देखा ना 99 बंदे तो पानी में डूब के मर गए, सिर्फ मैं ही जिंदा क्यों बची। मुझे तो ये समझ नहीं आया, अगर इसमें 99 बंदे थे तो उनमें से कोई एक या दो बंदा जिंदा क्यों नहीं रहा, सिर्फ मैं ही जिंदा क्यों थी, आखिर क्यों थी, मुझे नहीं मालूम गाइस। गाइस क्यों थी मैं जिंदा? और गाइस जल्दी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ कंक्यूरर पे आप कैसे पहुँचे, और लिटरली अगर आपने वो ट्रिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ की ना तो आप नेक्स्ट सीजन कंक्यूरर जरूर पहुँचोगे, ज़रूर नहीं पक्का पहुँचोगे। तो गाइस मैंने इधर 4 किल कर लिए बोट मार मार के, मेरे को क्या ही खुशी हुई मैं आपको नहीं बता सकती। तो गाइस यहाँ से बंदा मेरा तेज भागने लगा, क्योंकि आपको बोर नहीं करना है, मुझे वीडियो दिखानी है। तो मैंने सोचा निकलते हैं अब यहाँ से, सर्कल की तरफ बढ़ते हैं, पर मुझे डर था कि मैं सर्कल में जाऊँ और वहाँ एनिमीज नॉर मुझे फोड़ ना दे, क्योंकि मैं सोलो थी और पता नहीं अजीब सा डर रहता है दिमाग में जब रैंक पुश कर रहे होते हो, बंदों से फाइट लेते हो, थोड़ा मन घबराता है, दिल से दुखता है कि माइनस ना हो जाए, ये मन रहता है। फिर मैंने कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और गाइस किस्मत इतनी अच्छी थी ना, मुझे फ्री का चिकन डिनर मिल गया, मुझे क्या ही बताऊँ मैं आपको, मज़े आ गए। तो मैंने कहा मैं गन नहीं चेंज करती, गन यही अच्छी है जो भी थी, क्योंकि इसमें मेरे को लगा थे तो वो थी तो क्या होता है। वाह पीछे से एक बंदा है, मैंने उसे भी ठोक दिया, उसे ठोक दिया, चलो भी निकलो यहाँ से, निकलो पतली गली से, निकलो निकलो फ्री फायर की तरह, निकलो निकलो पर निकलो पहली फुर्सत में निकलो। हमने कहा चलाई बहुत स्पीड में, चला इतनी स्पीड में चलाई कि आप देख रहे हो, कार ठुक गई बंदे के सामने, ठोक दी ऐसे, चलो कोई बात नहीं, इसने भी मैं लूट दी। अब मैंने सोचा अब मैं करूँ तो करूँ क्या, बंदे बचे तो कुल 14 किल थे मेरे साथ, 14 बंदे किल साथ, बहुत बढ़िया गए। मैं सोची थी अब चिकन डिनर करते हैं, क्योंकि 7 किल है, अगर टॉप 10 में भी आ ही चुकी हूँ वैसे तो प्लस ही होंगे माइनस नहीं होंगे। तो मेरे मन में जोश आया और मैं निकल ली फिर कार, फिर मैंने कहा ड्रॉप गिर रहा है सामने, ओहो ड्रॉप, चलो ड्रॉप पे चलते हैं। वो ड्रॉप भी मुझे काफ़ी देर बाद दिखा था, मैंने सोचा कोई ड्रॉप गिरा ही नहीं, बट पहले भी ड्रॉप तो गिर रहे थे पर मुझे मिल गया ड्रॉप, पर इसमें मैं ही क्यों अकेली जिंदा थी। तो बस मैं ड्रॉप की तरफ भागी 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 इतनी स्पीड में, यह आप नहीं जान सकते। तो गाइस इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये एपिक वीडियो है, ऐसी वीडियो आई डोंट थिंक सो आपने कभी देखी होगी, मतलब कि 99 बंदे ऑफलाइन। मेरे को दिखा सामने एक बंदा है, मैंने उसे देखा AWM से, मैंने सोचा बंदा ना हो, चलो फिर डर ख़त्म, क्योंकि अब तो मेरे 8 किल थे और मुझे कोई टेंशन नहीं थी। हम गए वहाँ पे, गए भाग के गए, उठ के गए, बैठ के गए, गए 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 पीछे बंदा बंदा पीछे, मैंने एकदम से मार दिया भाई, अपना भी स्वैग था भाई। बोट के लॉबी में डर किसे लगेगा बताओ, आपको लगेगा कभी? आपके पता है ये 99 बोट ही है, मतलब कि जितने भी आपकी लॉबी उसमें सब बोट है, आप डरोगे? नहीं डरोगे? नहीं बिल्कुल नहीं डरोगे। बट गए स्टार्टिंग में तो अच्छे प्लेयर थे, 99 प्लेयर थे, अच्छी लॉबी थी, मैंने सोचा था अगर आपकी बार लगेंगे माइनस होंगे पॉइंट, बट कोई बात नहीं, नहीं हुए गए एकदम हो गया। तो गाइस और लास्ट में मेरे साथ स्कैम हो गया, मतलब कि स्कैम नहीं अद्भुत ही हो गया, मुझे नहीं पता मेरे साथ हुआ क्या। तो गाइस हम यहाँ से कार लेके फिर निकल लिए, क्योंकि 5 बंदे बचे थे, 10 मेरे किल थे, मज़ा आ गया गाइस। खुशी 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 समझ रहे हो ना, खुशी किसे कहते हैं जब आप पुश कर रहे हो। मेरे सामने एक बंदा आया, ये बंदा थोड़ी था, ये तो बोट था, मैंने जैसे से भी टपका दी, मैं निकल भाई पहली फुर्सत में। तो एक बंदा भाग रहा था, नहीं वो एक्चुअली बंदा लेट गया था, मैंने एक मारा, मैं निकल क्योंकि बोर्ड था तो निकल लिया, मैं ये भी बंदा है इसको भी मारा, ये मरा ही नहीं, मैंने एक और मारा मर गया। AWM थी, क्या करें कभी कभी हो जाता है गाइस। तो गाइस मेरे सामने एक बोर्ड, पता नहीं बंदा, पता नहीं बोर्ड बोर्ड था एक्चुअली, कौन ये बैठ गया मेरे सामने है, हम भी बैठ जाते फिर खड़ा हो गया, मैं खड़ा हो जा कहीं चाहता क्या, मैं कवर में होगी, मैं कभी मेरे को मार ना दे, मेरे पास आया फिर ये आराम से गाइज, देख रहे हो देख रहे हो भाग के आ रहा है गाइज, क्या हो क्या कर गया रहा है भाई तू। मैंने सोचा है इसके हालात कुछ अच्छे नहीं है, मैंने ऑल पे माइक भी किया, ये कुछ बोल नहीं रहा था, मैं सोचा ये भी बोट ही है, मैं सोचा मोली मारती हूँ अगर बंदों को तो भाग जाएगा, बोटों को तो मर जाएगा, और गाइज मानना ही था। और ये गाइस लिटरली बंदा हिला ही नहीं वहाँ से और लेट गया मोली में, भगवान ऐसे बंदे मिलते कहाँ से, मैं मारो मुझे। और गाइस यहाँ पे मैंने देख रहे अब क्राउन सेकंड पे हूँ मैं, 13 किल थे मेरे, और गाइस फ्री किल्स के चक्कर में ना मैं पहुँच गई क्राउन 1 पे, इतनी खुशी भाई मेरे को ज़िंदगी में कभी ना हुई होगी। गाइस फ्री का चिकन डिनर खाया मैंने, फ्री का गाइस, फ्री का देख लो गाइस, देखो ये देखो क्राउन 1 वो पी